नमस्कार लाइव लगातार से मैं राजलक्ष्मी फिलहाल मौजूद हूँ पेट्रोल पंप पर और पेट्रोल की कीमतें शतक से भी पार जा चुकी है। फिलहाल जमशेदपुर में अभी पेट्रोल की कीमतें हैं, यहाँ पर कीमत है प्रति लीटर 104 रुपये 95 पैसे, वहीं डीजल 98 रुपये कुछ पैसे पर अटका हुआ है। ऐसे में यहाँ पर बहुत से लोग पेट्रोल भरवा रहे हैं क्योंकि ये उनकी दैनिक ज़रूरत का एक हिस्सा बन चुका है, लेकिन लगातार पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से आम जनता ज़रूर बेहाल है और उम्मीद लगाया जा रहा है, उम्मीद की जा रही है ऐसी कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इन सब के पीछे की वजह मेन मार्केट में बढ़ते कच्चे तेल की कीमतें हैं। ऐसे में जिस हिसाब से तेल की कीमतें बढ़ रही है उस हिसाब से यहाँ पर कंपनी भी महंगे कीमतों में पेट्रोल और डीजल लोगों को उपलब्ध करवा रही है। हम यहाँ पर लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कैसे वो अपने दैनिक खर्चे में कटौती करके पेट्रोल भरवा रहे हैं। अंकल, कितने का पेट्रोल भरवाया था? 86 रुपये। पहले 86 में कितने दिन चलता था? 2 दिन। और अब? अभी वही 1.5 दिन। 1.5 दिन तो फिर कैसे मैनेज करेंगे पूरा अपना पर्सनल खर्चा, पेट्रोल का खर्चा? चल रहा फिर गाड़ी खड़ा कर देना, साइकिल चला देंगे। हाँ, क्या करेंगे। और अगर और कीमतें बढ़ी तो अगर साइकिल से काम नहीं हुआ और गाड़ी चलाना पड़ा तो मैनेज किया जाएगा इधर उधर से, नहीं होगा तो गाड़ी खड़ा कर देंगे। कौन सा खर्च आप काटना चाहेंगे अगर गाड़ी चलाना ही पड़ा आपको और पेट्रोल की कीमत जैसे बताया जा रहा है कि और बढ़ने वाला है, तो कौन से खर्चे में आप कटौती करेंगे? घर में कैसे कटौती करेंगे, तो मुश्किल हो जा रहा हम लोगों मुश्किल हो जा रहा तो लोग परेशान हैं। इनका सीधे तौर पर कहना है कि अगर पेट्रोल की कीमत इसी तरह से बढ़ती रही तो फिर अब वो गाड़ी खड़ी करने पर मजबूर हो जाएंगे क्योंकि 20 रुपए के हिसाब से अभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। हम भी और लोगों से बात करते हैं। भैया बताइएगा, अभी कितने का पेट्रोल डलवाना है? 80। और कितने दिन चलता था पहले? वैसे हम नहीं देखा था उतना, ये नहीं किया। अभी अगर पेट्रोल की कीमत ज़्यादा हो गई है तो 2 से 3 दिन कम चलेगा तो फिर कैसे मैनेज करेंगे खर्चा? क्या करें, कॉस्ट तो हम लोग हाथ में नहीं है ना, तो गवर्नमेंट ये करता, डिस्ट्रिक्ट करता। तो कैसे मैनेज करेंगे ये खर्चा, किसी दूसरे खर्चे में कटौती करेंगे तब? यस डेफिनेटली। कौन सा खर्चा होगा वो, खाने पीने और बाद बाकी घूमने फिरने की चीज़ें? खाने पीने का खर्चा कम करेगा, घूमने में भी कम करेगा। यानी कि ये निश्चित तौर पर है कि जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी तो फिर खर्चे में कटौती ज़रूर होगा। हम और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या हाल है। पेट्रोल की कीमत बहुत बढ़ रही है अंकल, क्या कहेंगे? क्या कीजिएगा, बोलिए, डेली बढ़ते जा रहा, डेली बढ़े रहा, घटे रहा, नहीं डेली। हर सामान का दाम बढ़ रहा है, गरीब आदमी का बहुत मुश्किल में पड़ जा रहा है, कैसे चले बोलिए, कौन सरकार को वोट देगा इसे? अभी और बढ़ने वाला है, बढ़ने वाला है, कैसे समाधान होगा इसका बोलिए? 105 रुपये हो चुका है लगभग, अभी और बढ़ेगा बोल रहा है। हाँ। अभी कितना तक होगा ये तो मुश्किल है बोलना। कितना का भरवाएंगे अभी? अभी 100 रुपये का भरवाएंगे। 100 रुपये में कितने दिन चलता था? 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन। पहले कितना चलता था? पहले तो 3-4 दिन 100 रुपये में चलता था। अच्छा, हाँ, आप कैसे मैनेज करेंगे? बहुत हालत ख़राब है, हालत ख़राब का खत्म, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। गाड़ी खड़ा नहीं कर सकते क्योंकि गाड़ी चलाना है, गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल, अभी साइकिल खरीदना पड़ेगा। साइकिल खरीदना? हाँ, कोई उपाय नहीं है, अभी साइकिल खरीदना पड़ेगा, सबसे बढ़िया रहेगा। पुलिस भी नहीं रुकेगा, गाड़ी चला रहा पुलिस भी रुक रहा बीच में, हेलमेट नहीं रहे तो पैसा दो, लाइसेंस दिखाओ, ये दिखाओ, पुलिस भी तंग कर रहा, इधर सरकार तंग कर रहा, ये पेट्रोल का दाम बढ़ रहा, सामान का तेल का दाम बढ़ रहा, सरसों तेल का दाम बढ़ रहा, आदमी की हालत बहुत ख़राब है, हिसाब का बाहर ख़राब है। चलिए, तो लोग साइकिल खरीदने पर मजबूर हो जाएंगे और ये वो लोग हैं जिनका दैनिक तौर पर दैनिक जीवन में गाड़ियों का इस्तेमाल एक अहम हिस्सा बन चुका है क्योंकि आप घर से ऑफिस जाते हैं या ऑफिस से घर जाते हैं, अपने बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल जाते हैं या फिर बैंक जाते हैं, आपके लिए गाड़ी एक जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी है। ऐसे में अब जब पेट्रोल की कीमतें लगातार बेतहाशा वृद्धि कर रही है, डीजल की कीमतें लगातार बेतहाशा वृद्धि कर रही है, तो लोगों के सामने ये सवाल ज़रूर उत्पन्न होता है कि आखिरकार वो किस तरह से इस खर्चे को मैनेज करेंगे। कुछ का कहना है कि वो अपने खान पान के हिस्से में थोड़ा कमी करेंगे, तो कुछ का कहना है
कि वो सीधे तौर पर साइकिल पर आ जाएंगे। और कहीं ना कहीं शहर में प्रति चेकिंग की व्यवस्था के कारण भी लोग बेतहाशा परेशान हैं, और यही वजह है कि वो गाड़ी से बेहतर साइकिल को एक ऑप्शन के तौर पर देख कर चल रहे हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों से बढ़कर जो हमें दिखाई दे रहा है वो है पेट्रोल की कीमत, जो कि फ़िलहाल 105 रुपए के लगभग आ चुकी है। आज भी पेट्रोल की कीमत में 80 पैसे की वृद्धि दर्ज की गई है, और उम्मीद की जा रही है कि जिस हिसाब से कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि दर्ज की जा रही है मार्केट में, उस हिसाब से विश्व स्तरीय मार्केट में, अंतर्राज्यीय बाज़ार में जिस तरह से पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि दर्ज की जा रही है, उस हिसाब से आने वाले दिनों में ये कीमतें और बढ़ेगी। और 4 महीने तक कीमतों में स्टे लगा हुआ था, चूँकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहा था और सरकार नहीं चाहती थी कि लोगों को बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक मुद्दा मिले सरकार को हटाने का। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि लगातार तेल कंपनियों के ऊपर केंद्र सरकार का ये दबाव रहा कि तेल पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रहे। और जैसे ही चुनाव संपन्न हुए और चुनाव संपन्न होने के बाद पार्टी का निर्माण हुआ, वहाँ पर जीत तय हो गई, वहाँ पर जीत सुनिश्चित हो गई, वैसे ही आपको पूरे देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिल रही है। और ये सारे तार एक दूसरे से उलझे हुए और एक साथ चलते हुए ज़रूर नज़र आ रहे, लेकिन इन राजनीतिक मुद्दों के अलावा जो मुख्य मुद्दा है वो आम लोगों का मुद्दा है। और आम लोग परेशान हैं महंगाई की मार से, चूँकि लगातार सभी चीज़ों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जिससे आम जनता काफ़ी परेशान है और यही उम्मीद कर रही है, यही गुहार लगा रही है कि सरकार इस पर कोई निर्णय ले जल्द से जल्द, वरना स्थिति और भी दुष्वर हो सकती है। क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जब तक तेल कंपनियों को उनका प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मिल जाएगा, तब तक पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर नहीं होंगी। तो ये एक विश्व, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ना कहूँगी मैं इसे, लेकिन पूरे इंडिया में एक रिकॉर्ड ज़रूर कायम हो सकता है पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर आने वाले दिनों में। तो इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी लाइव लगातार से। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।